यूपी के जालौन से इस वक्त की बड़ी खबर। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे योगेश कुमार मौर्य का हुआ एक्सीडेंट। फॉर्च्यूनर और ट्रैक्टर में हुई जोरदार टक्कर। ट्रैक्टर के उड़े पर खच्चे और कार भी क्षतिग्रस्त। हादसे में बाल बाल बचे डिप्टी सीएम के बेटे। मध्य प्रदेश के जिला दतिया में मौजूद माँ पीताम्बरा के दर्शन करने जा रहे थे डिप्टी सीएम के बेटे। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। कालपी कोतवाली क्षेत्र के आलमपुर बाईपास की घटना। जालौन से खोजी कैमरा के लिए दुर्गेश कुशवाहा की रिपोर्ट। आज पीताम्बरा माता दतिया शक्तिपीठ में जा रहे थे माई के दर्शन करने। गाड़ी आ रही थी 90-80-100 चल रही थी, अचानक ट्रैक्टर आया बीच से डिवाइडर से और हम लोग काफी उसमें 5-6 लोग थे गाड़ी के अंदर। मैं आगे की तरफ बैठा हुआ था और काफी कंट्रोल हमने किया गाड़ी और तब तक ट्रैक्टर जो है वो हो गया। भगवान माता रानी कृपा से, प्रभु कृपा से कुछ कैजुअल्टी नहीं हुई किसी को। गाड़ी कौन चला रहा है? गाड़ी ड्राइवर चला रहे थे। यहाँ पर सर भैया तो यहाँ पे तुरंत आपको डॉक्टर मेडिकल? हाँ, प्रशासन आ गए लोग, फिर उर्मिला हॉस्पिटल में ले गए, एक्सरे कराए थे। हल्का बहुत खिंचाव आया है बस थोड़ा बहुत, तो हल्की सी उंगली में वो आया और बाकी सब ठीक है। प्रभु माता रानी कृपा से सब अच्छा हुआ। देखिए, ये कालपी के पास में एक एक्सीडेंट हुआ है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि और आपने देखा भी है, कोई मेजर इंजरी नहीं है, कोई ये बात नहीं। गाड़ी हल्की पीछे से डैमेज हो गई है, बाकी स्वास्थ्य अच्छा है और कोई भी इंजरी नहीं है और सेफली वो यहाँ पे सर्किट हाउस में रेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद गाड़ी में कौन लोग सवार? आपने देखा ही है यहाँ पे सभी लोग जो उपस्थित हैं वो हैं और बाकी इनके साथ इन परिवार वाले जो लोग भी हैं। कहाँ जा रहे थे सर, कहाँ से आ रहे थे? देखिए, ये चूँकि प्राइवेट डिटेल्स होती हैं ये ज़्यादा शेयर करनी उचित नहीं है, तो इतने भी आपको नहीं बता सकते हैं, बट इतना कहना है कि सभी लोग सेफ हैं, कोई इंजरी नहीं है, गाड़ी हल्की सी डैमेज है, गाड़ी को भी साइड करा दिया गया है और आगे की सर सूचना आ रही गाड़ी में डिप्टी सीएम के लड़के मौजूद थे, ये कन्फर्म है? देखिए, आपने सब लोगों ने देखा है यहाँ पे आए ही हैं सब कोई, तो सूचना ये है सही है और कोई इंजरी नहीं है जैसा कि मैंने।